अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अभी तक मैथ्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे। बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस, बहुत सारी ऐसे सॉल्यूशंस जो अभी तक हमने देखे हैं, बहुत सारे मेथड्स हमने देखे हैं, ग्राफिकल कनेक्शंस हमने देखे हैं, हमने डोमेन रेंज के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने एलिमिनेटिंग मेथड्स के थ्रू हमने पढ़ा, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन एलिमिनेटिंग मेथड वेरिएबल्स के थ्रू यूज़ करते हुए, एडिशन मेथड को यूज़ करते हुए हमने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की। उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स की, स्टडीज़ की, असाइनमेंट्स की और प्रेजेंटेशंस की बहुत अच्छे से जारी होगी। तो लेट वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ एलिमिनेटिंग अ वेरिएबल यूजिंग द एडिशन मेथड। मतलब आप एडिशन मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से वेरिएबल को आप एलिमिनेट करते हुए इसको कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम उसको देखेंगे। लेट मी डिस्कस सब एग्जाम्पल्स, आफ्टर दैट वी विल सी। सो सॉल्विंग लीनियर सिस्टम बाय एडिशन मेथड, एक एडिशन मेथड है आपके पास, आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसके स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ नेसेसरी री राइट बोथ इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी एक्स बी वाई दैट इज इक्वल टू सी। इफ नेसेसरी मल्टीप्लाई इधर इक्वेशन और बोथ इक्वेशन बाई अप्रोप्रिएट नॉन जीरो नंबर्स सो दैट द सम ऑफ द एक्स कोफिशियंट और द सम ऑफ द वाई कोफिशियंट इज जीरो। एट द इक्वेशन इन स्टेप टू, द सम इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टेप फाइव इज बैक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू टू ऑब्टेन द स्टेप फोर इन टू अदर ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर द अदर वेरिएबल। चेक द सोल्यूशन इन बोथ ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। अब एक ये फाइव डिफरेंट सिक्स डिफरेंट स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। अब हम चेक करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, ये एक एग्जांपल है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48, 9x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 24। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले उसको रीराइट किया गया, सेकंड स्टेप के अंदर उसको कैलकुलेशन करके x और y की वैल्यूज़ के हवाले से सॉल्व करने के लिए इसको देखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप के अंदर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से इसको फॉलो किया गया है और एडिशन मेथड के थ्रू इसकी वैल्यूज़ निकाले गए हैं। थर्ड स्टेप के अंदर ऐड की गई हैं, फोर्थ स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि उसको डिवीजन करके सिंपलीफाई करके वाई के लिए वाई एक यानी कि एक वेरिएबल का आंसर निकाला गया। फिफ्थ स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि अब उस वाई के आंसर को पुट करते हुए इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आई है। सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने पिछले सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व किए थे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है कि किस तरह से एडिशन मेथड और किस तरह से जो है ना इसको सॉल्व किया गया। सिक्स स्टेप के अंदर उस वैल्यूज़ को चेक किया गया, वेरीफाई किया गया कि ये सारी वैल्यूज़ ठीक भी हैं या नहीं हैं। ये मेथड वेरी सिमिलर है टू द प्रीवियस मेथड जो हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सिंपली इक्वेशन की वैल्यूज़ को एडिशन मेथड के थ्रू आप सॉल्व करें, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालें, उनको इक्वेशन के अंदर पुट करें, आपका आंसर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा कि वो ठीक है या फिर उसमें किसी किस्म का कोई मसले मसाइल है। इस बुक के अंदर बहुत सारी फर्दर एग्जांपल्स इस मेथड के थ्रू दी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि ये भी एक एग्जांपल है, इसके अलावा ये भी एक एग्जांपल है, ठीक। और एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो चेक करने के लिए भी बताया हुआ है कि आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड, बहुत ही सिंपल। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है वो चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ। उम्मीद है कि अब तक आपको इन सारे टॉपिक्स क्लियरली डिफरेंस पता चल चुका होगा क्लियरली, और इसके साथ साथ आपके प्रिपरेशन एग्जाम्स असाइनमेंट्स भी बहुत अच्छे से जारी होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।